आज यह ढलती उम्र के व्यक्ति गाजीपुर की कचहरी में घूमकर भिक्षाटन किए, हाथ में कटोरा और कटोरे में कुछ सिक्के और कुछ पैसे। भिक्षाटन कुछ इसलिए था कि बिना घूस लिए हुए साहब काम नहीं करेगा, पेमेंट नहीं करेगा। यह है मांगूराम देवगली विकास खंड में इनका घर है और मुस्लिमपुर। यह इनका घर पड़ गया था वाराणसी से गोरखपुर जाने वाले NH राष्ट्रीय राजमार्ग 25 में, जो 4 लेन हुआ है। इनका 4,00,000 रुपए बनता था, जिसके एवज में पैसे की मांग की गई 10%। पहले वाला लेखपाल रिपोर्ट लगाया पैसा लेकर के, इनकी फाइल आ गई NH का जो कार्यालय है, जिसका सुपरविजन ADM अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व करते हैं, वहाँ आया, वहाँ से पेमेंट नहीं हुआ। मांग की गई 10%, जब तक नहीं दोगे तब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे। इन्होंने गरीबी का हवाला दिया, कोई असर नहीं हुआ। फिर फाइल लौटा दी गई, कहा गया कि जो शपथ पत्र बना है वह ठीक नहीं है, फिर से बनाओ। फिर से शपथ पत्र बनवाए, फिर लेखपाल ने पैसा मांगा, फिर यहाँ NH के ऑफिस में पैसा मांगा गया। इसकी लिखित शिकायत इन्होंने जिलाधिकारी से मिल करके किया, DM साहब से मिले थे, मिल करके किया, ADM साहब को भेजा इन्होंने। यही नहीं, इन्होंने पंजीकृत डाक से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा, जिलाधिकारी को भेजा। इधर सामने पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, हम इस समय जिलाधिकारी के कार्यालय पर हैं, यह देख रहे हैं, ऑफिस खाली है। ओम प्रकाश आर्य, ओपी आर्य, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और यह है कार्यालय जिलाधिकारी का। तो इन्होंने भिक्षाटन किया, पुलिस अधीक्षक को भी लिख करके दिया, साहब हमारा पेमेंट करवा दीजिए, साहब चल रहा है, साहब जांच। दो दो बार मुख्यमंत्री संदर्भ पर शिकायत की गई, लेकिन सब चल रहा है। अब यह कहाँ जाएंगे, कितना मांगा जा रहा है आपसे, 40,000, 10% हुआ, 4,00,000 कुछ है, तो 40,000 मांगा जा रहा है। भैया गरीब आदमी की सुनवाई कैसे है? प्रदेश के CM साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है और चारों तरफ डर पैदा हो गया, लोक सेवक कहीं भैया न तहसील हो कोई विभाग में नहीं देख रहा हूँ जहाँ बगैर सुविधा शुल्क के काम हो जा रहा है। क्यों भैया, आप भी भाई साहब कुछ मग्न हो गए, सोच रहे हैं, देख रहा हूँ, सोच रहे हैं कि भैया बिना घूस के कैसे काम चलेगा। तो आज इन्होंने भिक्षाटन किया है, भिक्षाटन में 1 रुपया 2 रुपया जिन लोगों ने अधिक दिया है उनके पैसे लौटा दिए गए हैं। यह सिंबॉलिक कार्यक्रम है, कार्यक्रम इसलिए है कि जो गंदे लोक सेवक हैं, जिनके मुंह में खून लगा हुआ है, जो बगैर किसी रिश्वत लिए काम नहीं करते हैं, उनके चेहरे पर कालिख पुते, समाज जाने के ऐसे गंदे और भ्रष्ट लोक सेवक हैं जो बिना रिश्वत लिए हुए काम नहीं करते, इसलिए ऐसा सिंबॉलिक कार्यक्रम आज किया गया है। वकील साहब नमस्कार, यह मांगूराम जी हैं, देवगली विकास खंड में गया है और इनका NH में गया है। लिखते पढ़ते थक गए हैं, कोई असर नहीं, ये एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। अगर 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 सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कराया जाए तो होगा ना? हाँ, आप लोग निःशुल्क लड़ाई लड़ेंगे इनकी ना? हाँ भाई तैयार है, पक्का। हाँ, देखिए वकील साहब ने कहा कि हम बिना फीस लिए हुए इनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो यह है साहब, चारों तरफ करप्शन भ्रष्टाचार। आज हम जिलाधिकारी कार्यालय पर आए थे कि जिलाधिकारी से मिल करके लिया जाए, यहाँ जिलाधिकारी है नहीं, पुनः यह लड़ाई जारी रखी जाएगी। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और गाजीपुर के जिलाधिकारी ओपी आर्य जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे इसकी जांच करा लीजिए, क्यों पैसा नहीं मिलता है, कारण क्या है, यह फर्जी हैं, फर्जी इनकी रिपोर्ट गई है, गांव सभा की जमीन पर अपना घर दिखा, क्या मामला है बताइए। अगर यह झूठ बोल रहे हैं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई करिए, हमारे ऊपर भी कार्रवाई करिए। और अगर यह सत्य बोल रहे हैं, सारी कितने एप्लीकेशन हैं सोमनाथ, कितने एप्लीकेशन दिए गए हैं? ये सारे स्तर पर दे दिए गए हैं, जिलाधिकारी से मिल करके दिया गया है और मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भेजा गया है, और सारे स्तर पर जितने स्तर हो सकते हैं वहाँ पर इन्होंने अपना एप्लीकेशन दे करके मांग किया है, लेकिन भी कुछ हो नहीं रहा। हमारे बीच गुल्लू सिंह यादव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और क्षेत्र पंचायत के मेंबर भी रहे। क्या लग रहा है ऐसे मामलों में, क्या ऐसे ही लोग पीड़ित हैं? सर एक दिन हम लोग लेकर के इनको गए थे उनके यहाँ प्रभारी NH के यहाँ, कैलाश जी ने यहाँ तक कहा कि मतलब यहाँ से सब कुछ हो गया है, आप लोग मौर्य जी से मतलब पता कर लीजिए। मौर्य जी से पूछा गया, वो कहे कि मेरे संज्ञान में तो है ही नहीं है मामला, तो केवल लाग लपेट करके केवल कमीशन के चक्कर में जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो कहेंगे वहाँ जाइए, वो कहेंगे वहाँ जाइए। लेखपाल ने कितना दिया था आपसे? नहीं, लेखपाल ने कितना दिया था? 15,000 दिया था और ये लोग 10% मांग रहे हैं।
किया है देखिए। और इनकी बहू, आपकी बहू को क्या हुआ है? बहुत तबीयत खराब है, आप देख लीजिए एक बार इनकी, इनको देख लीजिए और यह शक्ल देख लीजिए, या इनका जूता से लेके इनकी पता नहीं कब पेट भरेगा इनका, और कब ऐसे गंदे लोग सेवकों पर कार्रवाई होगी, कब लोग जगेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। सत्ता अभी अभी पूर्व विधायक जी लोग कुछ नहीं देते, सब चुप, सब चुप, पूर्व MLC सब ने चुपचाप दे दिया, एक रुपया दो रुपया दे दिया। यह किसी ने नहीं कहा कि नहीं यह लड़ाई लड़नी चाहिए, और इस पर सड़क पर उतरने के लिए कोई तैयार नहीं है। चलिए आज यह इस गरीब किसान की लड़ाई, जिसका घर चला गया है NEH में और लगातार महीनों महीनों से दौड़ रहा है, लोक सेवक बगैर रिश्वत के बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिलाधिकारी OP RA साहब, हमारा वीडियो आप देखिए और आप इसकी जांच करा लीजिए, नाप दीजिए, और नहीं तो यह माना जाएगा कि मुखिया होने के नाते कहीं ना कहीं सब गड़बड़ है। अगर अगर मुखिया कुछ नहीं कर रहा है तो मान लेना चाहिए कि घर का मलिकार ठीक नहीं है। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मारकंडे से आज इस गरीब किसान के का साथ देते हुए, लड़ाई लड़ते हुए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक यह बात पहुँचाते हुए, और इस लड़ाई को आगे भी जारी रखा जाएगा। धन्यवाद।